तो हम सालों तक पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां लेते हैं ताकि एक दिन हम अपने सपनों को पूरा कर पाएं। लेकिन डिग्रियां लेने के बाद हम आज क्या कर रहे हैं? हम अपने अमूल्य समय को कुछ चंद पैसों के लिए दूसरों को बेचकर उन्हें अमीर बना रहे हैं। क्या 9 से 5 की इस दिनचर्या में हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं? अपने आप से पूछिए, शायद आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप भी सोचते हैं कि आपकी जॉब आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रही है, और यदि आप भी वो रास्ता जानना चाहते हैं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए, तो बर्क हेजेस द्वारा लिखी गई बुक हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम आपके लिए ही लिखी गई है। चोर चोर पकड़ो पकड़ो। ऑथर बर्क हेजेस जैसे ही अपने घर में घुसे, उन्होंने अपने ताले को खोलने की जैसे ही कोशिश की, तो उन्हें एक ऐसा एहसास हुआ मानो कोई बहुत बड़ी अनहोनी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे बहुत घबरा गए और जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। उनके घर का सारा सामान गायब था। वे अंदर से बहुत डर गए और इस घटना को वे सारी जिंदगी नहीं भुला पाए। ऐसी स्थिति में उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, यदि किसी के घर में उसके सारे सामान की चोरी हो जाए, तो उसकी हालत क्या होगी, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि यदि किसी का सपना ही चोरी हो जाए तो क्या होगा? अब आप कहेंगे कि आप ये क्या कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा सपना कहीं चोरी हो गया है। कोई है जिसने हमारे सपनों को चुरा लिया है। कुछ लोगों ने आज हमारे सपने, हमारे भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है, और हमारा सपना हमेशा की तरह आज भी एक सपना ही है। ये केवल इसलिए हुआ है क्योंकि इसको पाने का जो रास्ता हमें बताया गया है, वो आज पूरी तरह से फेल है। क्या केवल डिग्री हासिल करना हमारा सपना है? आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पढ़ाई करने के बाद अपने मनपसंद क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 या 10 सालों से एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं? शायद कोई भी नहीं, या फिर बहुत ही कम। क्या हमारी नौकरी हमें हमारी काबिलियत के बराबर भुगतान कर रही है? नौकरी करते हुए क्या हम फाइनेंशियली फ्री और आत्मनिर्भर हो पाएंगे? आखिर कब तक हम अपना टाइम बेचकर दूसरों को अमीर बनाते रहेंगे और खुद पिसते रहेंगे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च के अनुसार लोगों को दिल के दौरे पहली बार अधिकतर मंडे 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ही पड़ते हैं। इसका मतलब है कि वीकेंड के बाद लोग वापस काम पर जाने का प्रेशर फील करते हैं। जॉब में सिक्योरिटी की बात तो अब हम भूल ही जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। यदि आप अपना बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं, तो 90% स्मॉल इंडस्ट्रीज 1 साल से पहले ही बंद हो जाती हैं, और बाकी बचे हुए में से 80% अगले 5 सालों में भी बंद हो जाते हैं, और बाकी के 80% अपना एक दशक भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब यहां शुरू करते समय आपकी सक्सेस के चांसेस 1% से भी कम होते हैं। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस के द्वारा भी अपने सपनों को पूरा करना आज संभव नहीं लगता है। तो फिर आज कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकता है? दोस्तों, आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर काम को करने के बेहतर और नए रास्ते खुल रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले जहां किसी विचार को फलने फूलने और पनपने के लिए 50 साल लगते थे, आज वह 5 साल से में ही संभव हो जाता है। एग्जाम्पल, रेडियो को 5 करोड़ श्रोताओं तक पहुंचने में 38 ईयर्स का लंबा टाइम लगा, जबकि टीवी मात्र 13 ईयर्स में ही यह मुकाम हासिल करने में सफल रहा, और इंटरनेट ने तो इसे हासिल करने के लिए सिर्फ 4 साल का ही समय लिया। ऑथर कहते हैं कि समय तेजी से बदल रहा है, और साथ ही बदल रहे हैं बिजनेस के प्रकार, बिजनेस की टेक्निक्स, बिजनेस के मॉडल और बिजनेस करने के तौर तरीके, जिससे बदलाव के इस दौर में नई चुनौतियों, नई टेक्नोलॉजी में ट्रेडिशनल बिजनेस अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। और ऐसा न करने के कारण अनेक ऐसी कंपनियां जो किसी जमाने में मार्केट में राज करती थी, आज मार्केट से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। जैसे यदि 1980 से पहले यदि कोई आदमी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर कंपनी का मालिक होता, तो उस समय का वो सबसे रिचेस्ट पर्सन होता, लेकिन आज वो बिजनेस से पूरी तरह बाहर है। दोस्तों, आज भी विश्व के किसी न किसी कोने में कोई न कोई तकनीक अपने चलन से बाहर होने के कगार पर अवश्य होगी। समय तेजी से बदल रहा है। यदि आप बदलाव की इस आहट को आज नहीं देख पाए, तो ये तय है कि भविष्य में आप मीलों पीछे छूटने वाले हो, जहां आप इससे कदम से कदम नहीं मिला पाओगे। जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, क्या आपको लगता है कि वो कभी फिर से शुरू हो पाएंगी? नौकरियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं,
हर साल हजारों लाखों कर्मचारियों की छटनी बड़ी बड़ी कंपनियों में देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है ये सब आगे चलकर खत्म हो जाएगा? जी नहीं, आगे और भी कर्मचारी अपनी नौकरी को गंवाएंगे। आज कंपनियां परमानेंट स्टाफ न रखकर अपना मैक्सिमम काम आउटसोर्स कर रही हैं, ताकि उनके टॉप लेवल पर बैठे लोग हमेशा पैसे बनाते रहें, जिससे अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब वहीं का वहीं है। और कहते हैं तो फिर इसका जवाब क्या है? आखिर क्या है जो हमें हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए हेल्प करेगा? क्या ऐसा कुछ है जिससे हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं? जी हाँ, इसका एक ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे आप MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस मॉडल है जो आपको खुद का बॉस बनाएगा। ये वो भविष्य है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। आने वाले टाइम में या तो आप इसे कर रहे होंगे, या लोगों को इसे करते हुए देख रहे होंगे, या फिर ये सोचकर पछता रहे होंगे कि मैंने इसे उस समय स्टार्ट क्यों नहीं किया। ऑथर कहते हैं कि मेरा सपना भी चुरा लिया गया था, मेरी जेब खाली थी, मैं डरा हुआ था और अंदर से टूटा हुआ था, मेरे बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा था, और न कोई छुट्टी थी, न कोई इंटरटेनमेंट था, बस दिखाई दे रहा था तो बस एक अंधकार में भविष्य, क्रोध से भरा हुआ, लाचार और मजबूर। उसी दौरान मुझे MLM के बारे में पता चला, लेकिन जैसे कि सभी लोग MLM को शक की निगाह से देखते हैं, ठीक उसी तरह मैंने भी इसे शक की दृष्टि से देखा। मुझे ये सब एक झूठ लगता था, मुझे लगता था कि ये भी पिरामिड की तरह एक घोटाला है। फिर मैंने सोचा कि इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए। मैंने इसे बारीकी से समझना और सीखना शुरू किया। उसके बाद मैंने सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग ये वो चीज़ है जो मुझे मेरे सपनों तक पहुंचा सकती है। मैंने देखा कि ये एक बहुत ही सिंपल बिजनेस है जिसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें लोग मेरी मदद के लिए भी तैयार थे। मैं इसके द्वारा अपना जीवन तो बदल ही सकता था, अपने साथ लाखों लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज भी ला सकता था। सच तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही हम सभी का फ्यूचर है, जो हमें आर्थिक आज़ादी और आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखता है। हमारे सपने, यदि लोगों से पूछा जाए कि आपका सपना क्या है, तो आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। हम में से मैक्सिमम लोग लाइफ में फ्रीडम और सिक्योरिटी चाहते हैं। हम सभी एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हैं जिसमें अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली शामिल है। हम अपने साथ दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में हर चीज के बारे में अपना मन मार कर रह जाते हैं, क्योंकि हमारी सीमित आय हमें अपने सपनों के हिसाब से जीने की परमिशन नहीं देती। हम आज अपना सपना भूल चुके हैं, हम अपने सपने को, उम्मीद को खो चुके हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हम में से अधिकांश लोग उन जॉब्स पर रोज जा रहे हैं जिसे हम पसंद ही नहीं करते हैं। इसका कारण है असुरक्षा। हमें डर है कि यदि हमारी जॉब चली गई तो हम अपनी रोजी रोटी कैसे चला पाएंगे। इसलिए न चाहते हुए भी हम उस जॉब से हमेशा के लिए चिपक जाते हैं जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और कहते हैं कि मैं ये सब इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन से गुजरा हुआ हूं। मेरी लाइफ बहुत बुरे दौर में जा रही थी, लेकिन मैं नौकरी छोड़कर कुछ नया करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं जानता था कि मेरी नौकरी मेरी योग्यता के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस पर ही डिपेंड था। आपके सपनों का क्या? क्या आप अपनी मनपसंद लाइफ जी पा रहे हैं? क्या आपको वह हासिल हो चुका है जिसका सपना आपने बचपन में या स्कूल कॉलेज में देखा था? क्या आपकी कंपनी वर्षों की आपकी मेहनत के लिए आपको सम्मानित करती है? क्या आप सही समय पर अच्छी अमाउंट के साथ रिटायर हो पाएंगे? जब आप रिटायर हो जाओगे तो आप अपने परिवार के साथ आनंद से भरा हुआ जीवन जीने के लिए पैसा कहां से लाओगे? दोस्तों, यदि हम सबको अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें बस एक ऐसी गाड़ी की जरूरत है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे, और उस गाड़ी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब सीखते हैं पिरामिड योजनाओं के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक पिरामिड स्कीम है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। मल्टी लेवल पिरामिड एक ऐसा ढांचा है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी बिजनेस, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सक्रिय है, उसका ढांचा एक पिरामिड की तरह होता है, जिसका आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। सरकारें भी एक पिरामिड की ही तरह होती हैं, जिनमें सरकार सेवाओं को नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूट करती है, और हम अपने वोटों के द्वारा इस नेटवर्क को स्ट्रांग बनाते हैं। इसी प्रकार मार्केटिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से नीचे की ओर करती हैं, और हम नेटवर्क को धन की शक्ति के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर सींचते हैं। जैसे सरकार, शिक्षा और धार्मिक संस्थाएं भी एक पिरामिड ही हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी एक पिरामिड है। माइक्रोसॉफ्ट, डेल, जनरल मोटर्स, रेल, डाक, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल, दूरसंचार आदि नेटवर्क मार्केटिंग का ही उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं
नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की आत्मा है। इसे अच्छा या बुरा बनाना इसमें शामिल लोगों के हाथ में है। जैसे टेक्नोलॉजी को यदि आप सही तरीके से यूज करते हो तो ये आपके लिए एक वरदान है, लेकिन यदि इसका प्रयोग विनाश के लिए किया जाए तो ये एक श्राप बन सकता है। ठीक उसी प्रकार मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग खुद में अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग इसे अच्छा या बुरा बनाता है। आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि पिरामिड दो प्रकार के होते हैं, अवैध पिरामिड और वैध पिरामिड। पहले बात करते हैं अवैध पिरामिड की। ये पैसा बनाने वाला एक ऐसा घोटाला है जिसमें पिरामिड के नीचे की ओर जुड़े लोग पैसा कमाने की उम्मीद से पैसा लगाते हैं, लेकिन शीर्ष पर बैठे लोग उस पैसे का उपयोग खुद को अमीर बनाने के लिए करते हैं। आपने पोंजी स्कीमों का नाम तो सुना ही होगा। इनका नाम पड़ा एक इटली प्रवासी कार्लो चार्ल्स पोंजी के नाम पर। 1920 से पहले पूरे विश्व के डाकघर इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जारी किया करते थे, जिनकी अदला बदली पूरे विश्व में कहीं पर भी डाक टिकटों के रूप में की जा सकती थी। पोंजी इन कूपनों को महंगे देशों से खरीदता था और सस्ते देशों में बेचकर उससे बहुत पैसे कमाता था। पोंजी ने अपनी एक कंपनी बनाई और $150 के लाखों कूपन छपवा दिए। वे लोगों को इन्हें $100 में बेचता था और लोग इन्हें 90 दिनों के बाद $150 में बेचकर 50% का प्रॉफिट कमाते थे, जबकि उस समय बैंक का इंटरेस्ट रेट भी 4% का था। धीरे धीरे पोंजी ने 90 दिनों का समय घटाकर 45 दिन कर दिया। पोंजी खूब अमीर होता जा रहा था, लेकिन 1920 में जब पोंजी की पोल खुली तो पता चला कि इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन अब बंद कर दिए गए हैं और पोंजी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बस इधर से उधर घुमा रहा था। वो नए इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर उससे पुराने इन्वेस्टर्स को भुगतान कर रहा था, जबकि उसे कभी $100 से ज़्यादा के कूपन उसने कभी कभी खरीदे ही नहीं। पोंजी को इस धोखाधड़ी के लिए 9 साल की सजा हुई, जिसके बाद उसने जमानत ली और फ्लोरिडा चला गया। वहां उसने फिर जमीन घोटाला किया और फिर पकड़ा गया। आखिर में उसे इटली भेज दिया गया, जहां 1941 में उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं वैध पिरामिड योजनाओं की। ऑथर कहते हैं कि जो काम अवैध पिरामिड योजनाओं में कोई व्यक्ति करता है, वही काम लगभग वैध पिरामिड योजना में सरकारें करती हैं। सरकार की ऐसी कितनी ही योजनाएं हैं जो पिरामिड की तरह काम करती हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना। सामाजिक सुरक्षा योजना भी एक विशाल पिरामिड योजना है, जिसमें आप इस उम्मीद के साथ आज अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो ताकि रिटायर होने के बाद वे आपको आपके मरने तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ दे सकें। अब ये भी एक सवाल है कि आखिर जो पैसा हम सामाजिक सुरक्षा या मेडिकल सर्विसेज टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वो कहाँ जाता है। ये पैसा उन्हें दे दिया जाता है जो आज सामाजिक सुरक्षा पाने के हकदार हैं, रिटायर, शारीरिक रूप से अपंग हैं। इसके बाद जो भी पैसा बचता है वह आम बजट में चला जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है और पुराने इन्वेस्टर्स को लौटाती है। इस प्रकार ये एक वैध पिरामिड है, जहां सरकार की इसमें भागीदारी है। सारी पिरामिड योजनाओं से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि शीर्ष पर बैठे लोग और अमीर होते जाते हैं और नीचे वाले लोग अपने पैसों को खोते चले जाते हैं। आज एजुकेशन फीस और मेडिकल फैसिलिटीज आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती चली जा रही हैं, लेकिन जरा सोचिए कि आखिर इतनी महंगी सेवाओं में से ये पैसा कहाँ जा रहा है। जवाब है सिर्फ कुछ अमीरों की जेब में। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस और नौकरी आज हमारे सपनों को पूरा करने में लगभग नाकाम रहे हैं। हमारी डिग्रियां हमें आर्थिक रूप से आज़ादी दिलाने में विफल साबित हो रही हैं। ऐसे में जरूरत है हमें एक ऐसी व्यवस्था ढूंढने की जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सके। ऑथर कहते हैं कि अधिकांश युवा इस भ्रम में जीते हैं कि स्कूल कॉलेज से निकलते ही उनको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, जिससे वे अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन आप बताइए, क्या ऐसा संभव है? ऑथर यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक आदमी मरने के बाद यमलोक पहुंचता है। वहां उससे कहा जाता है कि वो स्वर्ग या नर्क में से किसी एक को चुन ले। वो यमराज से कहता है कि मुझे एक बार दोनों को देखना है, तभी मैं कोई फैसला लूंगा। यमराज के कहने पर पहले उसे स्वर्ग दिखाया जाता है। वहां उसने देखा कि वहां शांति है, लोगों के चेहरों पर संतुष्टि का भाव है। ये बहुत सुंदर था। फिर उसे नर्क ले जाया जाता है। वहां उसने देखा कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन और साथ में मदिरा भी उनके पास है। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये सब देखकर उसने कहा कि मुझे नर्क में रहना है। यमदूत ने उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ एक बार ही चुनाव कर सकता है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे नर्क ही चाहिए। यमदूत ने ताली बजाई और देखते ही देखते सारा दृश्य बदल गया। नाच, गाना, खाना, मदिरा सब गायब हो गए और वह आदमी अब जंजीरों में जकड़ा हुआ था।
जिसके चारों ओर आग के शोले धधक रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा कि मेरे साथ धोखा किया गया है। उसे दूसरी पीड़ित आत्मा ने समझाया कि अब तुम फंस चुके हो, जो तुमने पहले देखा था वो सिर्फ एक विज्ञापन था। इस कहानी का सार यही है कि हम भ्रम में जी रहे हैं, हम इस दौड़ में चल रहे हैं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए एक के बाद एक डिग्री लूं, लेकिन जब उन डिग्रियों को लेकर हम बाहर निकलते हैं तो हकीकत से हमारा सामना होता है। नौकरियों में आज सुरक्षा समाप्त हो चुकी है। जो लोग आज नौकरियों में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं वे अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। अपने घाटे को कम करने के लिए कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी कम कर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ छोटी कंपनियों में हो रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनियां भी ये सब कर रही हैं। इसलिए आज की जरूरत है कि आप इस पर समय रहते ध्यान दें। ये समय है परिवर्तन का, ये समय है बदलाव का, अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार करने का। ऑथर कहते हैं कि आखिर आपके पास विकल्प क्या है। सबसे पहला विकल्प जो आपके पास है वो है नौकरी। इसमें आप अपना समय बेचते हो, इसमें आप भले ही पैसा कमाओ लेकिन सुरक्षा और स्वतंत्रता आपको नहीं मिल सकती। जिस दिन आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा उस दिन आप वापस सड़क पर आ जाओगे। दूसरा है आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आज परिवर्तन के दौर में ट्रेडिशनल बिजनेस आसान नहीं रह गया है। पॉसिबल है कि शायद आप सफल भी हों, लेकिन ये भी एक सच है कि केवल 1% स्मॉल इंडस्ट्रीज ही अपना 10वां साल देख पाती हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है फ्रेंचाइजी। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो आप किसी फ्रेंचाइजी को खरीद सकते हो, लेकिन केवल 33% फ्रेंचाइजी ही प्रॉफिट दे पाती हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास है इन्वेस्टमेंट। ये वो ऑप्शन है जो अमीरों को और अमीर बनाता है, लेकिन इसमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप उस पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओ। पांचवा ऑप्शन आपके पास है रॉयल्टी इनकम। इसमें एक बार कोई काम करने पर उससे बार बार प्रॉफिट मिलता है, जैसे लेखक, गीतकार, संगीतकार, कलाकार और कोई आविष्कारक आदि। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक लिखी हो या कोई पॉपुलर सॉन्ग गाया हो या कोई नया आविष्कार किया हो। इससे सिर्फ चुनिंदा लोग ही पैसा कमा पाते हैं। तो फिर अब आपके पास कौन सा रास्ता बचता है? ऑथर कहते हैं कि अब सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता आपके पास बचा है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गरीब है या अमीर है, कोई स्त्री है या पुरुष है, कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। इसके द्वारा हर कोई अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि इसके बारे में आप किसी से सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो, बल्कि खुद इसके बारे में सही जानकारी हासिल करो, तब फैसला करो। परिवर्तन इतना आसान नहीं होता है। नए विचार की हमेशा उपेक्षा की जाती रही है। 1975 से पहले घड़ियों में स्विस घड़ियों का दबदबा था। उनकी बेहतरीन क्वालिटी के लिए लोग रोलेक्स को याद किया करते थे। एक दिन अचानक घड़ी बनाने वाला एक बूढ़ा कारीगर उछलते हुए अपनी दुकान से बाहर आया और उसने कहा कि मैंने बिना चाबी और ज्वेल्स वाली घड़ी खोज ली है, जो बहुत हल्की है, पतली है और ज़्यादा मजबूत है। इसमें आपको चाबी भरने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये पहले के मुकाबले ज़्यादा एक्यूरेट टाइम भी बताती है। ये है क्वार्ट्ज घड़ी। लेकिन स्विस लोगों ने इस परिवर्तन को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे अपने बने बनाए बिजनेस में परिवर्तन करें। उन्होंने सोचा कि ये क्वार्ट्ज तकनीक हमारे किसी काम की नहीं है, और उन्होंने उसे जापान को बेच दिया। आज आप देख सकते हैं कि घड़ी की दुनिया में चीन और जापान के द्वारा बनाई गई क्वार्ट्ज घड़ियों का एक छत्र राज है। आज स्विस कंपनियां भी उसी क्वार्ट्ज टेक्निक को यूज करके घड़ियां बना रही हैं, जिसे कभी उन्होंने खारिज कर दिया था। नेटवर्क मार्केटिंग बिचौलियों को हटाकर कंपनी और उपभोक्ता के बीच एक बेहतर संबंध क्रिएट करती है। ये अपने नेटवर्क द्वारा कंपनी के प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट आप तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और दूसरे खर्चों में लगने वाली अमाउंट सीधे कमीशन के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाती है। ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स और उनकी बेहतर सर्विसेज के जरिए आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाती है। इस प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही कंपनी और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभ लेकर आती है, जिससे उसे भी प्रॉफिट होता है। इस प्रकार ये एक सहयोग का बिजनेस है, जिसमें एक दूसरे का सहयोगी सफलता तक ले जाता है। जब कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कीमत, गवर्नमेंट टैक्स और उसके साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने में भी खर्च करना पड़ता है, जिससे वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत अधिक कॉस्टली हो जाता है। किसी भी चीज के दाम बढ़ने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार है मार्केटिंग, जिस पर बहुत ज्यादा पैसा बहाया जाता है। इसी का सॉल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक बहुत ही सिंपल बिजनेस प्लान है। जब आप इसे इससे जुड़ते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स होते हैं, आप अपने खुद के बॉस होते हैं।
इसमें कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स के नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट सेल करती है। रिसर्च, डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, स्टोरेज, ये सारे काम कंपनी देखती है। इन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स का काम अपने नेटवर्क को बढ़ाना और प्रोडक्ट्स को खरीदना और बेचना होता है, जिसके लिए उन्हें अच्छा कमीशन मिलता है। हालांकि एक अकेला आईबीओ कंपनी को बहुत ही छोटा बिजनेस देता है, लेकिन जब आईबीओस का पूरा नेटवर्क ये काम करता है तो वो बहुत बड़ा वॉल्यूम बन जाता है, जिस पर आईबीओस को अच्छा कमीशन मिलता है। इसलिए यहाँ बड़े नेटवर्क से मिला एक छोटा प्रतिशत भी बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। नेटवर्क मार्केटिंग आईबीओस का एक ग्रुप होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नेटवर्क में कब और कहाँ शामिल होते हैं। अपने द्वारा बनाए हुए पिरामिड में आप हमेशा टॉप पर ही रहते हैं। इसमें हर आदमी एक सीईओ की हैसियत से काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को न ज़्यादा स्टाफ को रखने की जरूरत होती है और न ही मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च करने की। इसके लिए उनके पास आईबीओस को देने के लिए काफ़ी पैसा होता है। ये कोई अजूबा नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया मेथड है जो आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। आज लाखों लोग इससे जुड़कर अपना भविष्य बना रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हर महीने एक जोड़े मतलब दो लोगों को अपने नेटवर्क से जोड़ना है। क्या आपके लिए इतनी मेहनत करना पॉसिबल नहीं है कि आप दो ऐसे लोगों को जोड़ पाओ जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, जो खूब पैसा कमाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इसी प्रकार जिन लोगों को आप अपने नेटवर्क में शामिल करते हो, वो भी हर महीने एक जोड़े मतलब दो लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करें। ये एक चेन की तरह चलता है। इस प्रकार साल के अंत तक आपके पास एक विशाल नेटवर्क बन जाता है। ये सब लोग अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे होते हैं। आप इस पिरामिड के टॉप पर स्थित होते हो। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कमीशन देती है। आप और आपका नेटवर्क जितना बिजनेस देंगे आपको उतना ही कमीशन मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग आज का बिजनेस है जो भविष्य में और भी ज़्यादा फलेगा फूलेगा। आज चाहे कोई हाउसवाइफ हो, कलाकार हो, इंजीनियर हो, पुलिस अधिकारी हो, ड्राइवर हो, किसान हो, शिक्षक हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, बुजुर्ग हो या कोई रिटायर्ड पर्सन हो, सब लोग इसमें शामिल होकर अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की एक चीज़ इसे दूसरे बिजनेस से बहुत आगे खड़ा कर देती है, और वो है सहयोग की परंपरा। ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनकर बिजनेस करते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप दूसरों के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें दूसरों की तरक्की के साथ ही आपकी तरक्की भी जुड़ी होती है। इस प्रकार जब दूसरे अच्छा काम करते हैं तो आपकी तरक्की होती है, और जब आप अच्छा काम करते हो तो किसी और की तरक्की होती है। ये चेन इसमें लगातार काम करती रहती है। ऑथर यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताते हैं। एक महिला मरने के बाद संत पीटर के पास पहुँचती है। उसने उनसे पूछा कि स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर है। पीटर उसे पहले नर्क में लेकर गए। वहाँ उस महिला ने देखा कि वहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से टेबल सजी हुई है, लेकिन उसने देखा कि मेज के चारों ओर बैठे लोग आपस में लड़ रहे थे। वे एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे, एक दूसरे को नोच रहे थे। इसका कारण था उनके पास 3 फीट लंबी चम्मचें और कांटे थे। उसके बाद उस महिला को स्वर्ग ले जाया गया। वहाँ भी वैसे ही स्वादिष्ट व्यंजन टेबल पर सजे हुए थे। उनके पास भी वैसे ही 3 फीट लंबे चम्मच और कांटे थे, लेकिन वे लोग बहुत खुश थे। इसका कारण यह था कि वे एक दूसरे को उन 3 फीट लंबी चम्मचों से खाना खिला रहे थे। यदि आप सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके लिए अनंत संभावनाएं हैं। यहां यह बात गौर करने वाली है कि जहां ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करके सक्सेस हासिल करते हैं, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग सहयोग पर आधारित है। आप यहां एक दूसरे के सहयोग के बिना सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आखिर क्यों लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हो रहे हैं? क्योंकि वो अब किसी और की नौकरी नहीं बल्कि अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं, क्योंकि वे अपनी लाइफ में अब सक्सेस पाना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वे फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ बदलाव आवश्यक है। इस बदलाव से कोई भी अछूता नहीं रह सकता है। यदि आप भी अपने सपनों को जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग ये वो जगह है जहां आप ये सब पा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग ये वो भविष्य है जो हमें हमारे सपनों तक पहुँचा सकता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी बुक समरी थी बर्क हेजेस द्वारा लिखी गई बेहतरीन बुक हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम की। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस बुक को जरूर पढ़ें। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।